आप में से बहुत लोगों की आदत है कि वो हमेशा खाने के साथ एक कच्चा प्याज खाते हैं। प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सारी चीज़ें कच्ची खाते हैं वो खाने के साथ। बहुत लोग की नींबू, बहुत लोग की आदत है। इवन मेरे घर में ही मुझे एक खास तौर से कच्चा अनियन यानी कि प्याज और मिर्ची खाने की आदत है। मेरे हस्बैंड को मिर्ची खाने की आदत है। बहुत लोगों को ये आदत होती है कि वो खाने के साथ ये सारी चीज़ें कच्चा खाते हैं। जाने अनजाने में उसको इसकी इतनी अच्छी बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप शायद ही आज से ही अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दो। हाँ, लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों को खाने से मुँह से एक स्मेल आती है, बट इसके बाद आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो जिससे आपकी स्मेल गायब हो जाए। जैसे कि आप कोई इलायची का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कुछ ऐसा जिससे खाने से मुँह की जो स्मेल है वो चली जाए, या फिर नॉर्मली आप ब्रश भी ना करो, अच्छे से मुंह धोने से ही वो चला जाता है, कुछ चबाने से ही चला जाता है। बात यहाँ पे आती है कि अनियन जो है, कच्चा अनियन यानी कच्चा प्याज, वो कैसे आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ कच्ची चीज़ों की या फिर भुनी हुई चीज़ों की। अगर ये ही सारी चीज़ें आप डायरेक्टली मसाला बना के तेल में डाल दोगे तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा। जो चीज़ें आपको कच्चा देगा, रॉ देगा, वो आपको कभी भी मसाले भुने हुए जो देगा वो आपको तेल के साथ नहीं देगा, क्योंकि उसके बाद वो गर्म हो जाती है। वो जब ऑयल में फ्राई हो जाता है ना, उसके बाद वो गर्म हो जाती है और वो आपके बॉडी को हीट करता है। कच्चा प्याज ठंडा होता है, पर जब भी आप उसको तेल में डालोगे तो वो गर्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि कच्चा खाने की। अब बात करते हैं कि ये कच्चा प्याज जो है वो कैसे आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। मैं गिनाती हूँ। पहला, ये डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। मेल जो मेन सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा तो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी की जो सारी दिक्कतें हैं उसमें सुधार आएगी। टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपकी स्पर्म काउंट कम होती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपका इरेक्शन प्रॉब्लम होता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपके बाल झड़ने से लेकर सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये जब तेज़ी से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ही बढ़ाएगा तो धीरे धीरे आपकी स्पर्म काउंट भी इंक्रीज़ होती है, आपका जो लिबिडो है वो इंक्रीज़ होता है, आपकी जो इरेक्शन इशू है, ढीले लटकते हुए आपके जो साइज़ है उसमें भी सुधार आता है। तो कच्चा प्याज डायरेक्टली आपको ऐसे आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। नंबर टू, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ही तेज़ी से घटाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ऐसे काम करता है कि मान लो जंग लगा देता हो, तो जब भी आपके बॉडी में जंग लगेगा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको थकान की दिक्कत होगी, आप थक जाओगे बहुत ज़्यादा, स्टेमिना की प्रॉब्लम होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और भी बहुत सी चीज़ें होती है, मैं डायरेक्टली बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को आपकी कम करने में मदद करता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपके बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना जरूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फॉरमैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफेद मुसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मुसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी डिविलो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहेंस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है, कि इसमें एलर्जिनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका ऑर्डर कर सकते हो। दरअसल स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तीसरा, ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अनियन में यानी कि प्याज में ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जो कोल्ड होता है, ठंडी होती है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से घटाने में और मेंटेन करने में मदद करता है।
इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करिए कि थोड़ा सा प्याज हर रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड करने की। आप अगर डायरेक्टली नहीं खा सकते, आप तो अब चटपटे, बहुत लोग चटपटे खाते हैं, उसमें आप बिल्कुल चॉपसी करके उसको उसमें दे सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा डिश आपने किया उसमें अगर आप चॉपसी करके दे सकते हो। बहुत लोग तो अंडा ऑमलेट कर लेते हैं उसमें डाल देते हैं, बहुत लोग घर में ऐसे ही नॉर्मली सब्ज़ी के अंदर डाल देते हैं, कोई तो ऐसे ही दाल के चाट चबा के खा जाता है। इवन हमारे घर बंगाली घर में तो कच्चा प्याज आपको 110 में से 9 घर में मिल जाएगा जो लोग कच्चा चबाते हैं। मुझे अदर्स कम्युनिटी का इतना नहीं पता है, मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, और जो लोग इसको रेगुलर बेस पे खाते हैं ना, जाने अनजाने में उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए ये फ़ायदा आप भी उठाइए दोस्तों। महंगे महंगे दवाइयों को लेना पड़े इस जगह पर जाने से अच्छा है कि अगर आपको आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना भी हो तो दिक्कत लेट से आए, इसीलिए ऐसे हेल्दी हैबिट्स को आज से ही अपने डाइट में इंक्लूड करो, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।